व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। आज की वीडियो में भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि टाइटल है भारत की वजह से पाकिस्तान दिवालिया घोषित, और गौरव आर्य सर की डिबेट होने वाली है, शायद से आरजू काजमी मैडम होंगी इसमें। हाँ, तो काफी इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को कर दे सबसे पहले लाइक, और चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर दे शुरू। 1 2 3 ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस दाने में पाकिस्तान आ चुका है, जो उसके सियासतदान, जो उसके अशराफिया ले आए हैं पाकिस्तान को, बहुत मुश्किल वक्त है। और जिनको भी ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, जो कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, क्योंकि हाँ। पाकिस्तान जिस पैसे से खेल रहा है वो पैसा उसका नहीं है। आप समझ रहे हैं, आप जो कॉन्सेप्ट है सर्कुलर डेट का पाकिस्तान में क्या हुआ कि एक से पैसा लिया, दूसरे से पैसा लिया, तीसरे से पैसा लिया, चौथे से लिया, तो एक की बारी आ गई वापस देने के लिए, तो उन्होंने चौथे का पैसा पहले को दे दिया, पहले का दूसरे से निपटा दिया, तीसरे का दूसरे से निपटा दिया, चौथे का तीसरे से, तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब ये चीज चल रही है, तो आपने क्या करा कि अब जैसे सऊदी अरब का पैसा है, सऊदी अरब का पैसा देना, आप चीन गए, चीन से पैसा लिया, सऊदी को दिया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सऊदी को पैसा देना है, तो क्या आपके पास, सरकार के पास वो पैसा पड़ा है कि वो सऊदी को पैसा दे दें? वो नहीं है। और जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं 10-11-12 बिलियन के जितने भी हैं, उसमें से आपके लार्जली जो हैं, वो तो आपने जो पैसा लिया है लोन लोगों से, वो है। कमाए हुए पैसे नहीं है, कमा तो नहीं है आपके, जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ज्यादातर, मैं पूरे की बात नहीं करता, ज्यादातर। तो ये इट्स अ वेरी ट्रबलसम सिचुएशन फॉर पाकिस्तान टुडे। ये तो वही हो गया ना, उसकी टोपी उसके साथ, वो जो इधर से उठाया उधर, लेकिन इससे खैर मतलब इससे संभलना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको लग रहा है कि निकल पाएंगे किसी तरीके से? और उसके बाद हम जरा बात करना चाहेंगे बलूचिस्तान की भी। जी आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ, इससे निकलना पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनरल बाजवा ये कहते हैं कि सब, अब पाकिस्तान को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है कि आप एक कैबिनेट बनाए टेक्नोक्रेट्स की, जो पाकिस्तान को अगले 5-10 साल रन करे, जो आपके बेस्ट लोग हों इस फील्ड में, जिनका जो असल में सादिक और अमीन हो, असल में ये फर्जी वाले सादिक और अमीन नहीं। कि मैं तो चोरी नहीं करता, मैं वजीर आजम हूं पाकिस्तान का, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन हाँ मेरी अहलिया है, वो उनकी दोस्त से मैं लेता हूं पैसे। तो यार ये तो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। फरागोगी का मामला तो यही है ना, इमरान खान कहते हैं कि मैं खुद चोर नहीं हूं, जाहिर सी बात है खान साहब चोर नहीं है, ईमानदार आदमी, लेकिन अगर आपकी शय लेके दूसरे लोग चोरी कर रहे हैं आपका नाम लेके, तो कल्पेबिलिटी आपकी भी है। तो यही है। देखिए आपने पहले जैसे कि एयरपोर्ट्स गिरवी रख दिए, फिर आपने बोला कि हम अपने बच्चों के खेलने के पार्क्स F9 हम वो गिरवी रख देंगे, फिर आपने बोला मोटरवेज गिरवी रख देंगे, एक एक करके जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका धीरे धीरे खत्म होने पर आ गया भाई, उनको भी तो पसंद आना चाहिए ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप वही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो गिरवी रखेंगे जो सरकार का है, भाई जैसे आप हैं, आप अगर इस्लामाबाद में रहती हैं, आपका घर थोड़ा ना सरकार गिरवी रख सकती है, यू आर द ओनर ऑफ योर हाउस। सरकार क्या कर सकती है पाकिस्तान पब्लिक प्रॉपर्टी, जो गवर्नमेंट गिरवी रख सकती है, जो रख चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब ये इस पे आ गए, अच्छा ये चीज भी खत्म हो जाएगी यार, बच्चों के पार्क भी, क्योंकि हर दूसरे महीने पैसा चाहिए, अब ये चीज भी खत्म हो जाएगी। फिर ये बोलेंगे 10 की जगह चलो अब हम 50% गिरवी रखते हैं, राइट? फिर एंड में क्या होगा? एंड में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि पॉलिसी अभी भी नहीं है। देखिए अगर आपकी पॉलिसी है, कोई रोड मैप और पॉलिसी कामयाब नहीं है, तो उस पॉलिसी को इम्प्रूव करा जा सकता है। अगर लोगों की नियत है, तो उसको इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। लेकिन अगर नियत ही नहीं है और आपकी पॉलिसी नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो पीटीआई वाले कहते हैं कि खान साहब के समय बड़ी जबरदस्त, पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन कहते हैं, आप उनसे पूछे क्यों चल रही थी, जरा एक कागज पे लिख के तो बताएं 4-5 पॉइंट हमें भी, क्या था? देखिए आरजू जी, रोटी तो हम भी खाते हैं ना, इंसान तो हम भी हैं, रोटी हम भी खाते हैं, थोड़ी बुद्धि हमारी भी, अकल हमारी भी, तो हमें समझा दीजिए कि खान साहब ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी अच्छी हो गई, और इन भाई साहब ने कौन सा तीर मार दिया कि आपकी इकोनॉमी डूब गई? अगर इस समय इमरान खान होते प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ की जगह, तब भी आपका डॉलर 230 का बिक रहा होता। और इमरान खान से भी पहले नवाज शरीफ के वक्त सेट हो गई थी, उसको जाना ही था ऐसे, ये रिटन है, ये लिखा हुआ है, ये होना है, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई विजन नहीं है।
तो वो अपने आप ही चली जा रही है, जैसे कि आप टायर को देखें ना, ढलान पे टायर को छोड़ दें खुद रोल करता रहता है, इन्होंने वैसे छोड़ रखा है, कि देश को छोड़ रखा है, ऐसे जा रही है इकोनॉमी। तो एक तरफ तो ये पहले कह रहे थे कि जी हम, यानी एस्टेब्लिशमेंट वाले ये कह रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, जिसपे इमरान खान ने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है ये वो, अब वो कह रहे हैं कि जी हम हल्की सी मदाखलत करेंगे, यानी सॉफ्ट इंटरफेरेंस के लिए उन्होंने कहा है कि करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये ठीक है, क्या ये वर्ड ठीक है, क्या ये इस तरह की मदाखलत ठीक है, होनी चाहिए? नहीं आप जी, फौज फिर क्या करे जब ऐसी बंदरबांट हो रखी है पाकिस्तान में कि एक दूसरे की गर्दनों पे लोगों का हाथ है। जैसे साजिद तारण साहब बोलते हैं ना अक्सर कि एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस की तीली है। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक तारण साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, गलत नहीं कह रहे वो, इज राइट। सो जब ऐसा मुल्क में हालात हो तो फिर फौज को कुछ करना पड़ेगा, उसको सॉफ्ट इंटरवेंशन बोलेंगे, हल्की मदाखलत बोलेंगे, जो जो फौज करेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ उससे भी है, अगर ये ऐसी कोई गवर्नमेंट बनाए जिसमें शहबाज शरीफ को बोले कि भाई तुम आउट, इमरान खान तुम अपना मुंह बंद करो और तुम कंटेनर पे बेटा चढ़े रहो और नीचे मत उतरना 5 साल के लिए, उधर ही ऊपर चलाते रहो तुम, और एक आप ऐसी गवर्नमेंट बनाए यहाँ पे 10-15 लोगों की, ज्यादा नहीं, जिसमें पाकिस्तान के जो टॉप माइंड्स हैं वही चला सकते हैं, टॉप माइंड्स आए, दिमागदार लोग, एक रोड मैप बनाए, सबसे पहले सिर्फ पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को ले जाए। शुरू में दर्द होगा लेकिन यही एक तरीका है, क्योंकि आपकी सियासत में डेप्थ नहीं है। जो जैसे कि इंडिया में आप देते हैं सियासी पार्टीज में, इवन कांग्रेस जो कि ऑपोजिशन में है, जिसके सिर्फ आई थिंक 40 या 45 कुछ ऐसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट चलाने का और जो सक्सेसफुली चला चुके हैं अपने टाइम पे, जैसा भी चलाया उन्होंने सक्सेसफुली, अपने हिसाब से तो उन्होंने सक्सेसफुली चलाया, जो उनके एजेंडा था, जो भी उन्होंने करना था करा, जो उन्होंने प्रोमिस करी थी। सिमिलरली भाजपा में ऐसे बहुत लोग हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं हमारे, ठीक है, वर्ल्ड के फास्टेस्ट रोड्स इंडिया में बन रही हैं, पर डे का जो किलोमीटर का है वो 25 या 27 किलोमीटर एक एक दिन में नापते हैं रोड, नेशनल हाईवे इतनी स्पीड से चल रही है इंडिया की। आप हमारे निर्मला सीतारमन जी हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, या फिर आप सब जानते हैं जयशंकर साहब को, पाकिस्तान में आई थिंक ही इज द मोस्ट फेमस इंडियन मिनिस्टर आफ्टर मोदी जी, ठीक है, अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन है बिल्कुल एकदम, फिर हमारे मोदी। तो हमारे जो जैसे इंडियन टीम का बैटिंग लाइनअप है ना, नंबर 7 नंबर 8 तक सब लोग बैटिंग करते हैं, वैसे इंडिया में मोदी जी की सरकार में भी सारा बैटिंग पूरा हमारा पूरे ऑलराउंडर सब लोग बैटिंग करते हैं, नीचे तक सारे ऑलराउंडर, रोहित शर्मा नहीं है तो रोहित शर्मा, शिखर धवन नहीं है वहां पे, विराट कोहली नहीं है तो कोई और, तो कोई चलता चला जा रहा है, उसी तरीके से मोदी जी की कैबिनेट है। अब इसमें जब तक आप ऐसे लोग नहीं लाएंगे, और ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, देखिए कोई भी सोचता है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, झूठ बोल रहा है, लेकिन उन लोगों को सियासत की भेंट चढ़ा रखा है, उनकी बलि दे रखी है, उनकी कुर्बानी दे रखी है, और कलाकारों को बिठा दूर रखा है कि ये, क्योंकि इस कंफ्यूजन में किसी ना किसी का फायदा है, इस जब आग लगती है ना मुल्क में तो किसी ना किसी का फायदा है, कभी ये सोचिएगा आरजू जी कि लगातार पाकिस्तान का हाल क्यों बुरा है, किसी ना किसी का तो फायदा होगा इसलिए बुरा है, क्योंकि इतनी बार तो संजोग नहीं हो सकता ना, हर बार क्या, जब से आया है पाकिस्तान जब से पाकिस्तान बनाए तब से इनकी सरकार टिकी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो समझदार होता है कुछ होता है वो तो आ ही नहीं पाता ऊपर, आते वही हैं जो पहले से ही पुश्तैनी पॉलिटिशियन है, उन्हीं की फैमिली के मेंबर बन जाते हैं, कभी इमोशनल करके कभी कुछ करके, बिल्लो सबसे बड़ा एग्जांपल तो वो है, उसमें अगर देखा जाए वैसे कोई काबिलियत नहीं है कि ठीक है उसे मतलब फॉरेन मिनिस्टर बना देते हैं, पैसा है और पहले से फैमिली रही है पॉलिटिक्स में, वो थे ना उसके जो बुट्टो जितने निकाला कि अपनी पूरी क्रिकेट टीम है मोदी के बाद भी सारे कोई ना कोई सारे धुरंधर है, ये नहीं चला तो ये नहीं चलने वाली बात नहीं, कि मतलब हर एक टाइम टू टाइम अपना परफॉर्मेंस देता रहता है, और आज के टाइम पे आप देख रहे हो सड़कें कितनी रफ्तार से बन रही, और जो भी दिल्ली मुंबई राजा बनेगा इसको ज्यादा उसमें ले लिया उन्होंने, और ये चीज मैंने कहीं ना कहीं देखी कि कांग्रेस फिर भी इस नीति पे चलती है, लेकिन ये जैसे हम देख रहे हैं कि बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में जो कैपेबल होता है उसको सामने लाता है, ये चीज हमने देखी है। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो कहता हूँ कोई भी पार्टी हो, चाहे पुश्तैनी चल रहे हो, चाहे किस तरीके से लीडर में कैपेबिलिटी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग वाइज आपके आप उनके भाषण सुनने पे मजबूर हो जाए, मजबूर होने से आप बोले यार इनका भाषण जरूर सुनना है, वो चीज लीडर वाली खूबी है, मतलब होना चाहिए कि हाँ भाई ये लीडर है हमारा। बाकी पाकिस्तान ने अपना भट्टा खुद बिठाया है, वो कहते हैं ना कई बार कि जलती आग देख के हाथ दूर से सेकने की जगह उसमें बैठ जाना, तो ये इनको पता रहता है कि गड़बड़ यहाँ हो सकती है, उसमें बैठ जाते हैं जाके, ऐसा गड़बड़ है भस्म कर दो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, वीडियो कर दे लाइक, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।